तुम्हें? तुम डर क्यों रहे हो? तुम डर क्यों रहे हो तिमिर? डर क्यों रहे हो? दुर्गा, दुर्गा, ये दुर्गा ही है जो हर बार मेरा खेल बिगाड़ देती है। लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, जब भी मैं किसी को उसका अंत करने के लिए भेजती हूं तो मेरे मनसूबों का अंत हो जाता है। क्या करूं मैं? अब क्या करूं मैं? चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। मैं आज तक चुप रहा, बहुत देर चुप रहा, परंतु तुम्हारे कुकर्म बुराई की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा, और एक बात भली भांति सुन लो और ग्रहण कर लो, होगा वही जो मां की इच्छा होगी, और मां की इच्छा है कि तिमिर की विजय ना हो। और मेरी बात मानो तो तुम तिमिर की विजय के लिए प्रयास करने बंद कर दो। ऐसे कमजोर इरादे सिर्फ भगवान पर विश्वास करने वालों के ही होते हैं गुरुजी। जो खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो हर बात के लिए भगवान की दया का सहारा लेते हैं। थोड़ी बहुत रुकावटें मेरे इरादे नहीं बदल सकते, मुझे हरा नहीं सकते, समझे आप? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। तिमिर माहिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब तक नहीं बिगाड़ सकता जब तक तिमिर माहिर का ऋण न उतार दे। यदि वो ऋण मुक्त हो भी गया, उसने माहिर को जीवन दान दे भी दिया, तब भी तिमिर के लिए माहिर को समाप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी मां दुर्गा उसे हर बुरा कर्म करने से रोकती रहेगी। यह एक वरदान है उस मां का हर मां को। जब भी मां को यह आभास हो कि उसका बेटा कुछ गलत करने वाला है, तो वो उसके हाथ में बंधन डाल देती है। क्या तुम देवी मां को उसका कार्य करने से रोक सकती हो? शायद मैं देवी मां को तो ना रोक सकूं, मगर हां, एक मां को तिमिर के रास्ते की रुकावट बनने से जरूर रोक सकती हूं। आप कहते हैं कि दुर्गा तिमिर के लिए ढाल बनकर खड़ी है, मेरे लिए उस ढाल को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए इसलिए अपनी इस जीत पर इतराना बंद कीजिए गुरुजी, क्योंकि आपकी इस जीत की उम्र उतनी ही छोटी है जितनी दुर्गा की है। जाइए।